मैंने आपको स्काइप पे स्काइप पे भेजा तो था। ओके, मैं घर जाके भेज देता हूँ, घर के पीछे ही पड़ा हुआ है। ओके, तो हाँ, तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम रेंज के ऊपर आगे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था जो आप कर नहीं पाए थे, हम उस प्रोजेक्ट को एक बार कर लेते हैं एक बार, ठीक है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो छोटा सा डेटा बना लेता हूँ मैं। उसमें दो चीज़ थी, एक तो थी आपका कि आपको उसका डिलीट करना है, और दूसरा था आपका कि उसमें सीट का नेम डालना है। कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट, तीन सीट हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है? और एक बार तीनों को सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल वन पे करते हैं। तो चलिए इसकी कोडिंग सबसे पहले करते हैं आगे। हम तो इंसर्ट मॉड्यूल सब्जेक्ट कर दिया, कॉपी। फिर यहाँ पे हुआ कि सबसे पहले हमने यहाँ पे लूप लगाया कि फोर आई इक्वल टू वन टू शीट्स डॉट काउंट, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे दिया शीट्स, इसमें मैंने दे दिया आई डॉट एक्टिवेट। उसके बाद हमने रेंज ए वन को सेलेक्ट किया, डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, ठीक है? देन यहाँ पे हम सीट फोर पे गए, डॉट सेलेक्ट डॉट रेंज ए वन, ए वन नहीं, ए 65,000 था ना, डॉट ऑफसेट हमने यहाँ दे दिया 1,0 डॉट, यहीं पे हम पेस्ट कर, यहाँ सेलेक्ट करके पेस्ट कर ले या फिर पेस्ट स्पेशल डायरेक्ट कर ले। तो एक लाइन बच जाएगी। हमने लास्ट क्लास में आपको पेस्ट ये किया था कि हमने बताया था कि हम पहले सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल करते हैं, पेस्ट करते हैं शीट फोर डॉट पेस्ट। तो इसको भी कर दीजिए या फिर आप जो है डायरेक्ट इसको भी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? पेस्ट स्पेशल ऐप कर दीजिए। अब जैसे कि सबसे पहले पहले डिलीट करने की बात आई कि इसको जब हम कॉपी करके जब ये पेस्ट करेगा तो हर लाइन क्या होगा, जब मैं इसको पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे हेडिंग आएगा, इसके नीचे का पेस्ट करूँगा दोबारा हेडिंग आएगा आपको। तो हम देखते हैं कि जैसे हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करते ही क्या होता है कि पहला सेल जहाँ पे पेस्ट होता है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए, हाँ, तो उसके लिए एक कॉलम यहाँ लग जाएगा कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट, तो डिलीट कर रहे हैं। अब बारी आती है कि सीट्स नेम मुझे लास्ट में ऐड करने हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमें पता है जो डेटा हमारे कहाँ पे है, ई पे है। तो सबसे पहले जब यहाँ सीट एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ऊपर हम कि डिम एस फॉर सीट नेम एज ए, यहाँ पे सीट नेम पूरा लिख देते हैं एज ए स्ट्रिंग, और जैसे सीट पे जाएगा हम उस सीट का नेम यहाँ सीट नेम पे स्टोर कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, मैं बताया कि डेटा मेरा ई कॉलम तक है, या फिर जो सिलेक्शन मेथड मैंने आपको बताया उस सिलेक्शन मेथड को फॉलो करके पता कर लीजिए कि आपका डेटा सेकेंड लास्ट डेटा क्या है, E65000.n। और माफ कीजिएगा मैंने यहाँ पे गलत कर दी, यहाँ पे एंड नहीं दिया था सर, यहाँ पे हो जाएगा एंड ब्रैकेट ओपन एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट। ऑफसेट में यहाँ पे जो हम करेंगे ना, यहाँ पे हम कॉलन चेंज करेंगे, मतलब कि यहाँ से डेटा इसने उठाया, ये उस डेटा को उठाया कॉपी करके जब सीट थ्री पे पेस्ट करेगा, यहाँ पे पेस्ट करते ही हम क्या करेंगे कि यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे और एक इधर आएंगे, ठीक है। अब मुझे मुझे सिलेक्शन करना है पूरा से एक नीचे तक, तो मैं यहाँ पे दूंगा रेंज, रेंज यहाँ लिखूंगा एक्टिव सेल, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है एक्टिव सेल है और एंडिंग पोजीशन है एक्टिव सेल डॉट एंड डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0। समझ आया, ये लाइन समझ में आया। देखिए ये ऊपर 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 वाली लाइन तक क्या होगा कि कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से ऊपर की सारी जो ब्लैंक्स है उसको सिलेक्ट करना है, लेकिन जब हम कंट्रोल शिफ्ट अप करेंगे तो हेडिंग भी एक सिलेक्ट होकर आ जाएगा आपका। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर हमने यहाँ पे ऑफसेट लगाया ताकि जो हेडिंग से एक नीचे आ जाए, तो सिलेक्शन आ गया। और हमने सीट नेम को यहाँ पे स्टोर कर रखा है एक वेरिएबल पे, तो यहाँ पे हम करेंगे सिंपल कि सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू सीट नेम, ठीक है। सिलेक्शन हाँ, इसकी सबकी वैल्यू हमने सीट नेम कर दिया, जो कि हमने यहाँ पे उसकी सीट के नेम स्टोर कर रखे हैं। अब देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रन करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं रन कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप, एफर्ट किया, पहला सीट नेम यहाँ पे आया, अब सीट आई को सिलेक्टेड को अंदर की पहले सीट को सिलेक्ट, यहाँ पे एक एक दीवार आ गया मेथड प्रायोरिटी डॉट मास्टर पेट वो एक्टिव दे, या माफ कीजिएगा एक गलत हो गया था। अब एफेक्ट सीट पहले वाले सीट पे चला गया, अब सीट नेम पे उस सीट का नाम यहाँ पे देखिए, सीट नेम पे अगर कर्सर रखोगे ना देखा सीट वन स्टोर कर दिया इसने, ठीक है ठीक है। सीट नेम की वैल्यू क्या हो गई, सीट वन हो गई ना, मतलब कि जब सीट वन पे गया तो इसकी सीट नेम इसने सीट पे स्टोर कर दिया। फिर डेटा को सिलेक्ट किया, फिर सीट फोर पे वापस आया, वापस आ गया, फिर ए वन से ऊपर गया, एक कर्सर नीचे आके पेस्ट कर दिया, उसके बाद इसने पहले रो को डिलीट कर दिया, उसके बाद ए ऊपर गया कर्सर यहाँ लेके आ गया, फिर सिलेक्शन कर दिया और इसकी वैल्यू को इसने सीट नेम डाल दिया, डाल दिया। फिर वापस गया, अब सीट टू को एक्टिवेट करेगा डेटा, अब यहां पे देखिए सीट नेम की वैल्यू सीट वन से रिप्लेस होके सीट टू हो गई है, नंबर आ नहीं रहा, एक आ जाता है, आ जाता है यहां पे डेटा।
आ जाता है वो, कभी कभी नहीं आता, माउस की पॉइंटर की पोजीशन होता है ना इसकी सी, अरे आ गया ना, ठीक है, सी टू रिप्लेस हो गया और सेम प्रोसेस को फॉलो करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसने देखिए यहाँ से अब ए क्या हुआ कि जो ब्लैंक एरिया था वही सिलेक्ट हुआ। अब सीट नेम पे स्टोर क्या स्टोर है, सीट टू स्टोर है ना, अभी सीट टू को, हाँ हाँ सीट टू आ गया। सेम प्रोसीजर थर्ड के लिए फॉलो होगा, तो इस तरह से आपको इसके बाद सर भेज देता हूँ। और मैं इसको आपको मेल कर देता हूँ, तो ये समझ में आ गया सर आपको। मैं आपको आपको आप शायद भूल गए कि आज जब मैंने आप सीट की कॉलिंग समझाई थी तो मैंने समझाया था कि हम सीट को तीन तरीके से कॉल करते हैं, पहला सीट का प्रॉपर्टी नेम, दूसरा सीट का कैप्शन नेम, तो तीसरा सीट का सीरियल नंबर। तो ये सीट का प्रॉपर्टी नेम है, ये सीट का सीरियल नंबर है। अगर इसके नहीं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास सीट का सीरियल नंबर का अकॉर्डिंग करना है, आई है नंबर से सीट पहला दूसरा तीसरा फिक्स नहीं है, या ना कैप्शन फिक्स है ना प्रॉपर्टी फिक्स है, तो हाँ सीट का सीक्वेंस नंबर, हाँ पोजीशन नंबर जो होता है, हाँ आई सीट फोर में पता है कि सीट फोर मेरा फिक्स है, सीट फोर मेरा फिक्स है। देखिए जब आपका सीट बार बार डिलीट होता है लेकिन सीट का नाम सेम होता है तो आप उसके लिए कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग चलोगे, जो सीट्स और ब्रैकेट के अंदर में सीट का नाम रखोगे इनवर्टर कॉमा के अंदर में। अगर आपका सीट बार बार रिनेम होता है बट सीट डिलीट नहीं हो रहा है तो प्रॉपर्टी नेम से चलोगे, जो कि यह मेथड है। तीसरा जब आपके पास सीट बहुत सारे हो, आपको उसका नेम ना पता ना प्रॉपर्टी नेम ना कैप्शन कोई पता नहीं है बट सिक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो तो उसके लिए सिक्वेंस नंबर का मेथड यूज करोगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम डेटा ट्रांसफर, कि डेटा को किस तरीके से हम ट्रांसफर कर सके, तो ये टॉपिक हमारा। जैसे कि अगर मुझे किसी सेल के ऊपर कोई डेटा लिखना है तो कैसे लिखें, मैं नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं सब, मान लीजिए कि मेरा रेंज A1 है तो मुझे A1 पे कुछ टाइप करना है, तो यहां पे लिखेंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी लिखना चाहते हैं बाकी, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है कि रेंज A1 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू, देखिए वैल्यू और फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है जब आप डेटा भेजते हो तो। या तीसरा है कि आप सीधे यहां पे A1
और इसमें आप इक्वल टू कर दीजिए मार्क्स। तीन तरीके हैं किसी सेल के अंदर में डेटा को टाइप करने के लिए। तो यहाँ पे आपने देखा ऊपर की रोल A1 डॉट वैल्यू डॉट ड्रॉ भी फॉर्मूला डॉट डॉली। तो वैल्यू क्या करता है कि यहाँ पे वो टाइप करता है, यहाँ मान लो कि सीधे क्या करेगा नेम लिख देगा यहाँ पे, ठीक है। बट फॉर्मूला क्या करेगा, अगर फॉर्मूला क्या करेगा कि इसमें यहाँ पे टाइप नहीं करेगा, वो फॉर्मूला बार में जाके टाइप करेगा, ठीक है ना। और जो आपका जो सिर्फ रेंज है वो जो है वो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बार में ही जाता है। फॉर्मूला बार भी जा सकता है या फिर वैल्यू भी जाता है, मुझे इस चीज़ क्लियर नहीं है। वैल्यू ज़्यादा रहेगा शायद, हाँ वैल्यू ज़्यादा है। तो इन दोनों में फ़र्क कब आता है, जब हम वैल्यू डालते हैं तो फ़र्क नहीं आता, जब वैल्यू रिट्रीव करते हैं तब फ़र्क आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे A2 पे मैंने लिखा हुआ है पुनीत, जो A2 के अंदर पुनीत लिखा हुआ है मुझे वही F2 पे जाके टाइप करना है, कि जब भी मैं माइक्रो रन करूँ A2 की वैल्यू जो है वो F2 की वैल्यू पे चला जाए। तो उसके लिए कोड यहाँ लिखेंगे कि रेंज F2, जहाँ पे वैल्यू जाती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और जहाँ से वैल्यू आती है वो हमेशा राइट साइड में होता है। डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, किसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो। अगर मान लीजिए रोल नंबर है मैंने 5+1 किया हुआ है, अब मुझे इसकी वैल्यू G2 में डालनी है। अब यहाँ पे फर्क आएगा फॉर्मूला एंड वैल्यू का। अगर मैं यहाँ पे करूँ रेंज G2 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज V2 डॉट वैल्यू, तो क्या होगा देखिए। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू आया वो सिर्फ 6 आया, तो सिर्फ वैल्यू दिया है। अगर मैं इसको फॉर्मूले को डिलीट करके इसका मैं फॉर्मूला कर दूँ तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला आया। तो वैल्यू एंड फॉर्मूला डालते समय इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब रिट्रीव करते समय इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये समझ के आप रिट्रीव करना होगा। तो किसी सेल पे वैल्यू कैसे ट्रांसफर करते हैं समझ में आ गया, और कैसे रिट्रीव करते हैं किसी और सेल से वैल्यू किसी और सेल पे। अब मैं एक काम करना चाहता हूं कि मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूं। यहां पे मेरा डेटा हो गया, ये ध्यान से देखिएगा, यही आपका अगला प्रोजेक्ट है। क्योंकि अभी तक आपको दो प्रोजेक्ट दिए गए, दोनों में आपने अधूरा ही बनाया है। तो ध्यान से कीजिए, चाहेगा आदमी तो कुछ भी कर सकता है। और आपको हेल्प करने के लिए गूगल इतना बड़ा जगह है, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं आप। हेल्प करने के लिए आपके पास गूगल इतना बड़ा है। जैसे यहाँ पे मैं नेम डाला, मैं यहाँ पे रोल नंबर डालता हूँ, मार्क्स डालता हूँ और यहाँ पे सिटी डालता हूँ। सिटी डाला, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे कुछ भी टाइप करूँ, टाइप करने के बाद एक बटन पे क्लिक करूँ, क्लिक करते ही डेटा मुझे एक के नीचे कहाँ पे आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्म के, ये तो जो मैंने सिक्वेंसली लिखा है, लेकिन आप एक फॉर्म फॉर्म की तरह बना के भी कर सकते हो। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक मैक्रो डिजाइन करेंगे, सब्जेक्ट और सेंड नाम का फाइल बनाया, सेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे डेटा के अंदर एक के नीचे भेजना है, तो मैं सबसे पहले करूँगा कि रेंज, सॉरी यहाँ पे C2 में भेजना है ना मुझे, डेटा C2 में भेजना है। तो यहाँ पे करूँगा शीट्स, और इसका नाम हमारा फिक्स है इसलिए हमने यहाँ पे डेटा डाल दिया, या फिर हम प्रॉपर्टी नेम 3 चल सकते हैं,
डॉट रेंज, रेंज में क्या है आपका ए 65,000 डॉट एंड डॉट एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा रेंज किसका ए टू की वैल्यू, क्योंकि तो फिक्स है ना ए टू हमारा, तो फॉर्म फिक्स होता है ना। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे अगर नाम में पुनीत लिखा हुआ है तो इस पुनीत को क्या करेगा, इस डेटा में जाएगा, डेटा में जाने के बाद सबसे नीचे आएगा, सबसे ऊपर जाएगा और एक कर्सर नीचे आएगा यहाँ पे टाइप कर देगा, कर दिया। अब फिर मैं इसके दूसरे के लिए भी सेम प्रोसीजर अपनाता हूँ, मैं तो कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसमें क्या हुआ कि हम यहाँ पे जीरो करके यहाँ पे वन कर देते हैं, क्योंकि जब एक बार पुनीत जब यहाँ पे टाइप हो गया, अब नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पुनीत ही दिखेगा उसको लास्ट, तो वो नीचे नहीं आएगा, वो आगे जाएगा। हाँ, जीरो वन वन कर दिया और यहाँ पे हमारा बी टू की वैल्यू हो गया। इससे फायदा ये हो गया ना कि मान लो किसी ने रोल नंबर, अगर मान लो कि मैं इंडिविजुअली सबको करता, अगर किसी ने रोल नंबर मान लो कि पुनीत का रोल नंबर नहीं डाला, मार्क्स डाला और सिटी डाला, तो नेक्स्ट एंट्री जब मान लो रवि की एंट्री जब आएगा यहाँ पे तो रवि आ गया है। अब जो रोल नंबर अगर रवि में डाला तो रोल नंबर यहाँ नहीं डालेगा, वो ऊपर डाल देगा, क्योंकि जो नीचे से अगर मान लो कि अगर ब्लैंक होगा तो अगर B65 से ऊपर जाएगा तो ऊपर रोल मिला और एक ही नीचे आएगा ना। इसलिए मैंने इस चीज़ को फॉलो किया कि भैया अगर मान लो कि रवि आया यहाँ पे तो रवि वो यहाँ B से नहीं जाए, हर कॉलोनी के लिए वो A से ही जाए, A से जाए और यहाँ पे रोल नंबर डाल दे, यहाँ पे मार्क्स डाल दे, यहाँ पे सिटी डाल दे, ठीक है। इसलिए हमने इस मेथड को फॉलो किया, बी टू आ गया, देन यहाँ पे हमने इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे आपका आ जाएगा सी टू और यहाँ पे आपको आ जाएगा डी टू, ठीक है। पाँच चार ही है ना, हाँ चार हो गया। अब मैं फॉर्म में जाता हूँ और फॉर्म में जाने के बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ एक मिनट, और इस मैक्रो जो सेंड नाम का मैक्रो मैंने बनाया है इसको हम एक बटन पर असाइन करते हैं, तो हम डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट करेंगे एक फॉर्म कंट्रोल बटन, क्लिक कीजिए और यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करते ही आपसे मैक्रो पूछेगा, असाइन मैक्रो, कि आप इस पर्टिकुलर बटन पे कौन सा मैक्रो रन करना चाहते हो, तो मैंने सेंड को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, ठीक है। इसमें अगर अपना कुछ लिखना चाहते हो तो एडिट टेक्स्ट पे जाओ और इसमें अपना कुछ लिख दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोल दिया, मान लीजिए नाम दिया सुजीत, रोल नंबर, मार्क्स और सिटी डाले, ठीक है। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँ, अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ गई, कहाँ दिक्कत आया, ए पे, हाँ अब सुरंत डेटा चला गया, लेकिन इसमें बाकी क्यों नहीं आया इसमें, हाँ बाकी इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इस पे नंबर चेंज नहीं किया, वन हमने टू डाल दिया, यहाँ पे थ्री डाल दिए, अब एक बार दोबारा करते हैं, ठीक है। डेटा पूरा आ गया लेकिन डेटा जाने का कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो कैसे पता चला डेटा चला गया, तो इसके नीचे मैं यहां पे एक लिखूंगा मैसेज बॉक्स कि MSG बॉक्स, यहां योर डेटा हैव बीन स्टोर, ठीक है। तो जब मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो मुझे एक कंफर्मेशन मिलेगा, योर डेटा हैज बीन स्टोर,
हमारा डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। अब दूसरा आता है कि जैसे डिसेंड पे क्लिक कर दूँ तो ये डेटा क्लीन हो जाना चाहिए पूरा का पूरा। तो इसके लिखने का दो तरीके खाया, तो मैं यहाँ पे करूँ रेंज ए टू से डी टू, यहाँ पे जस्ट क्लियर कंटेन, क्या करेंगे क्लियर कंटेन, ठीक है ना क्लियर कंटेन। तो क्या करेगा कि क्लियर कंटेन मतलब कि होम मेनू में जाएगा और यहाँ पे आपको क्लियर का जो क्लियर कंटेन वाला ऑप्शन होता है ना, इस ऑप्शन को प्ले कर देगा। जब मैं सेंड करूँगा तो यहाँ पे देखिए क्लियर कंटेन क्लियर हो गया और डेटा आपके यहाँ पे आ गया। हाँ पूछिए। हाँ हाँ तो उसके लिए आपको दूसरा वर्कबुक एक क्रिएट करना होगा, उस वर्कबुक को सेव करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लोकेशंस में एक नाम से, जैसे मैंने यहाँ पे अपने इसमें सेव एज मैंने डी ड्राइव में मैंने यहाँ पे वी डेटा का नाम से सेव कर दिया, ठीक है, और इसे एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस एक्स है। और दूसरी चीज़ कि जब आप सेव करना चाहते हो तो आपका वी डेटा ओपन होना चाहिए। हाँ हाँ मतलब कि हाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइल ओपन होनी चाहिए, चाहे आप मैनुअल ओपन करवा लो या फिर वीवी के थ्रू ओपन करवा लो, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ सेव करके, तो मैं वीवी के जरिए ओपन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब माइक्रोस चलेगा, माइक्रोस चलने से पहले वो यहाँ पे करेगा कि वर्क बुक्स डॉट ओपन, ठीक है। ओपन मैंने बोल दिया कि ड्राइव डी में जाए और यहाँ पे ऐसे चलता है, ये चलता है। हाँ ड्राइव डी में जाए और उसमें वी डेटा डॉट एक्सएलएस एम को ओपन करें, ठीक है। अब देखिए ऐसी बारी आ गई ना, तो आपको क्या करना होगा कि हर के पहले आपका सीट, देखिए अगर एक सेम एक्टिव सेल का है, एक्टिव सीट का डेटा है तो आपको एक सीट का नेम डालने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके पास डेटा अलग अलग का है तो आपको डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया वर्कबुक वर्कबुक्स, उसके अंदर में मैंने ये डाल दिया कि जो डेटा जाएगा वो वी डेटा डॉट एक्सएलएस एम के अंदर में जाएगा। ये लाइन सबके आगे आपको लिखना है वर्क बुक्स, ठीक है। तो आपको कंप्लीट पास देना पड़ेगा हर किसी के लिए, पास नहीं दोगे तो फिर एक्टिव पे ही चलता है वो। आपने मान लो सीट का पास नहीं दिया तो एक्टिव सीट का ले लेगा, आपने आपको फाइल का पास नहीं दिया तो एक्टिव फाइल का ले लेगा। और जब ये फाइल ओपन होगा तो एक्टिवेट तो आपका वी डेटा ही होगा, तो उसके लिए आपको यहां भी पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो पाथ देने से पहले मैं वी वी ए थ्री है ना, वी वी ए हाँ वी थ्री, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पे बोला इस पर इसी को सीट और यहां पे सीट के अंदर में है फॉर्मेट, और डेटा ये इसका फाइल का नाम क्या है VVA-3, ठीक है। अब इस पूरे लाइन को आपको कॉपी करना पड़ेगा और सब में डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, मैसेज कंफर्मेशन आएगा, उसके बाद बोलोगे यहाँ पे आप कि एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, और यहाँ सेव हाँ सेव कर दो, और फिर यहाँ पे सेम एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज
और क्लोज में आप पे ट्रू करोगे ताकि वो आपसे कंफर्मेशन ना पूछे, या फिर जब ट्रू कर ही दिया तो आपको ये लाइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे सकते हो या नहीं दे सकते? हाँ तो सेव है ना, ऑलरेडी सेव है ना, तो नहीं तो क्रिएट कर रहे हो आप, सेव है थोड़ी कर रहे हो, सेव कर रहे हो ना। हम इस माइक्रो को एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे करते हैं हम नीरज, रोल नंबर 5, सिटी में देखा, और फिर इसको मैं सेव पे क्लिक करूँ। हो गया। अगर मैं अपने ये बी डेटा वाले को ओपन करूं डी ड्राइव में जाके, या फिर अपनी इस फाइल से, तो देखोगे डेटा आ गया ना। हाँ एक मैं रीता, रोल नंबर 1, मार्क्स मैंने दिया मैंने 90, और सिटी दे दिया मैंने पुणे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक किया डेटा स्टोर एंड ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और देख रहे हो कि जब आप प्रोसेस चलता है, जैसे फाइल ओपन हो रहा है तो आपको सामने उस फाइल दिख रहा है। आप चाहते हैं कि इस तरह का प्रोसेसिंग आपको ना दिखे, जैसे स्क्रीन जब चेंज होती है, जैसे स्क्रीन चेंजेबल स्क्रीन आपका नहीं दिखे, तो उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आप ऊपर में लगा दो कि एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और जब लास्ट में आपका क्लियर हो जाए तो वहां पे कर दीजिए ट्रू, क्योंकि हम सेटिंग चेंज कर रहे हैं। आपको बताया था जब भी सेटिंग चेंज करो वापस सही कर लो। अच्छा, दिखेगा नहीं आपको, बैक में प्रोसेस होता जाएगा। लास्ट में बस कुछ नहीं किया, वो मैंने ट्रू कर दिया तो वापस नॉर्मल कर दिया, जैसे था फॉर्मेटिंग ऐसे कर दिया मैंने। हालांकि उसे कुछ होता नहीं है, लेकिन कर देना चाहिए। देखिए डेटा हैज स्टोर एंड ओके, नहीं दिखा स्क्रीन, फाइल खुला क्या नहीं खुला। उसके लिए जितना पूरे फाइल का डेटा क्लिक करना चाहिए, सीट का डेटा क्लिक करना चाहते हो? डेटा डिलीट करना चाहते हो ना पूरा का पूरा? तो यही है आपके सामने दिख रहा है, क्लियर यहाँ पे क्लियर कंटेंट या क्लियर ऑल। हाँ तो उसके लिए आपको इवेंट माइक्रो चलाना पड़ेगा। आप यहाँ दिस वर्कबुक पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे आप वर्कबुक सेलेक्ट करो, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करो, यहाँ पे देखिए और एक होगा बिफोर क्लोज, अभी मैंने पढ़ाया नहीं ना सर, मैंने क्या बताया था, वो धीरे धीरे चलेंगे ना सर। हाँ अगर बीच बीच में ऐसे डाउट्स हो तो मैं, अगर मैं बता सकता हूँ तो बता दूंगा मैं। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप कीजिए कि सेल्स डॉट क्लियर कंटेंट। सेल्स बताया था किसके लिए होता है? नहीं सेल्स किसके लिए यूज होता है, सेल्स किसके लिए करता है? नहीं ये तो भूल जाते हो आप, पता नहीं क्यों सेल्स पूरी की पूरी फाइल, पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट करता है। हाँ यहाँ पे सिर्फ अगर पर्टिकुलर शीट, बहुत सारे शीट्स है, यहाँ पे शीट्स के नाम दे दो कि कौन सा शीट है आपका।
और क्लियर कंटेन करोगे तो सिर्फ डिलीट करेगा, बाकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है, कलर वलर है, वो रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्लियर करते हो, क्लियर के कई तीन तीन चार चीजें, तीन चार। हाँ, सेल्स डॉट क्लियर, अगर एक्टिव सेल को डिलीट करना है तो सेल्स डॉट क्लियर कर दो, या फिर क्लियर कंटेन है, या क्लियर फॉर्मेट है, या क्लियर कमेंट है। क्लियर के चार ऑप्शन होते हैं। क्लियर मतलब कि पूरी की पूरी पूरा हर चीज क्लियर कर देगा, जो नॉर्मल क्लियर, एक जब क्लियर टाइप करोगे तो पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। क्लियर कमेंट्स, कमेंट्स क्लियर करेगा, कंटेंट सिर्फ डिलीट प्रेस करेगा, क्लियर फॉर्मेट सिर्फ फॉर्मेट करेगा, हाइपर लिंक, नोट्स, आउटलाइन, ये क्लियर करता है। तो आपको सब चीज़ क्लियर करना है तो क्लियर यूज कर लीजिए। लेकिन अगर सेल्स डॉट क्लियर लिख दिया तो बंद करते समय जो एक्टिव सीट होगी ना, उसी का क्लियर करेगा। अगर पर्टिकुलर सीट है तो इससे पहले पर्टिकुलर सीट का नाम डाल दीजिए। वर्कबुक में डबल क्लिक किया तो खुल के आया। खुलने के बाद यहां से मैं वर्कबुक सिलेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट यहां पे वर्कबुक ओपन आ जाता है। तो यहाँ पे जाइए, ये होता है लोकेशन की, इवेंट किस पे चलाना है, तो मुझे वर्कबुक पे चलाना है, और एक्शन क्या है कि इवेंट कब चले, तो ये एक्शन से सारे। तो बिफोर क्लोज, बिफोर प्रिंट, बिफोर सेव, ओपन, क्लोज, न्यू शीट, न्यू चार्ट, सारे इवेंट है सारे इसके। ठीक है, तो ए, हाँ, और फिर सेव करवा दो ना, यहाँ पे सेव करना है ना कि कोड डाल देना, एक्टिव सीट डॉट सेव, मतलब पूछेगा आपसे सेव 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 का, एक्टिव सीट डॉट सेव, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव। हाँ, नीचे डाल दो, नहीं तो आप जैसे बंद होगा ना तो पूछेगा आपसे, ठीक है ना। तो ए फा, ओके, आप करके देखिएगा, और साथ में मैं आपको ए फाइल भेज रहा हूँ, और मुझे आप एक, ये तो मैं छोटा सा फॉर्म बनाया, एक ऑफिशियली फॉर्म जो आपके ऑफिस में होगा, या फिर कोई और चीज़ होगी, कहीं और होगा, देखा होगा, या फिर कोई भी एक यूनिवर्सिटी का ज्वाइनिंग फॉर्म, या गूगल का जो आप बना, ये मेला ये बनती है, क्या बोलते हैं, मेल का जो मेल आईडी बनाने का जो होता है, हाँ, तो नहीं कल तो क्लास नहीं होगी, परसों में भी क्लास ले सकता हूँ, कल सैटरडे है ना सर, तो सर बात सही है, लेकिन पिछले सैटरडे संडे वो बंदे को नहीं बुलाया था ना, आपके सैटरडे को आपके लिए नहीं बुलाया था, मैं आपकी क्लास ली थी, जो सैटरडे संडे वाले उनको मना कर दिया था, तो इस बार उनको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो 15-20 दिन का गैप हो जाएगा सर। हाँ, मैं देखिए, मेरे पास दो तरह के बैचेज है, एक मंडे टू फ्राइडे बैच है, एक सैटरडे एंड संडे बैच है।